नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर के जो टॉप 6 शेयर है जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस स्टॉक्स में इतना पोटेंशियल है जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं अपने लाखों रुपए, तो निश्चित रूप से ये आपके उस इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे लिस्ट में नंबर 1 स्टॉक है वो है PVR, एंटरटेनमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी। 8000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, बड़ी तो इससे सन टीवी भी है, लेकिन उसमें हम आपको इन्वेस्ट करने नहीं बोलेंगे। लेकिन ये PVR इतना पोटेंशियल रखता है कि आपके लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकता है। यहाँ पर देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निगेटिव दिखेगा, रिटर्न इक्विटी भी निगेटिव दिखेगा, लेकिन ये प्रॉफिट के निगेटिव होने के चलते है। हमने इस पर वीडियो भी बनाया है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव कब होता है, जब प्रॉफिट निगेटिव हो। तो अभी क्यों निगेटिव है, क्योंकि कंपनी लॉकडाउन को फेस कर रही है, पैंडमिक को फेस कर रही है, इसी कारण जो प्रॉफिट है निगेटिव है। अदरवाइज देखिए, 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अर्ली प्रॉफिट। इतनी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है और काफी बेहतरीन है, पैंडमिक को भी झेल चुकी है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है, निश्चित रूप से ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला है। प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें काफी कम है, 17.1%। डिविडेंड भी काफी कम देती है कंपनी, 0.29 का डिविडेंड परसेंटेज है। और डेट टू इक्विटी काफ़ी हाई हो चुका है इस पैंडमिक के कारण, पहले इतना डेट नहीं था, तो इसको भी आप कंसिडर करेंगे। टोटल डेट 4752 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट तो अभी निगेटिव में है, लेकिन रिजर्व अच्छा खासा है कंपनी के पास, तो डेट थोड़ा सा इश्यू रहेगा, तो इस कंपनी पर आप ध्यान देंगे। अदरवाइज और भी सारी कंपनी हम आगे आपको बताने वाले, उस कंपनी पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर चार्ट की बात करें तो देखिए, PVR का चार्ट काफी सॉलिड है। यहाँ से स्टॉक देखिए, 2011 मात्र 124 रुपए का था, वहां से ये 2100 रुपए का स्टॉक हो चुका था। देखिए, 2086 रुपए, लगभग 2100 रुपए का वहां से स्टॉक क्रैश होता है पैंडमिक के कारण, क्योंकि बिजनेस पूरी तरह से इसका बंद होने वाला था, और मात्र 880 रुपीज के आसपास ये स्टॉक आ चुका था। तो वहां पर भी आप इन्वेस्ट करते या कभी भी गिरावट मिले तो आप इन्वेस्ट करते। अभी जैसे जैसे लॉकडाउन हट रहा है, देखते हैं इस स्टॉक में काफी तेजी देखने मिल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है TV18 ब्रॉडकास्ट, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिये, मार्केट कैप 6994 करोड़ का है। अगर बात करें इसके डिविडेंड यील्ड का, डिविडेंड यील्ड 0 है, कोई कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 15% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11.5% है, तो काफी अच्छा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 60.4% है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें 0.21 है, तो डेट इक्विटी भी काफी अच्छा है। अगर टोटल डेट की बात करें 892 करोड़ का है, तो ये भी काफी अच्छी कंपनी है, क्योंकि डेट इक्विटी काफी कम है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो एनुअल प्रॉफिट 456 करोड़ का है, जो कि काफी जबरदस्त है। रिजर्व काफी अच्छा खासा है कंपनी के पास, 3848 करोड़ का। और बात करें चार्ट का, तो कंपनी का चार्ट हम उतने पीछे का नहीं देखेंगे, मात्र यहीं से एक साल से देखेंगे, दो साल से, क्योंकि पहले ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी नहीं हुआ करती थी। रिलायंस ने इसे मात्र 2 साल पहले एक्वायर किया, और वहां से देखिए शेयर प्राइस काफी अच्छा परफॉर्म किया। यह पैंडमिक कारण गिरावट आया, गिरावट में जो पैंडमिक में आया था वहां से देखिए लगभग 131% का रिटर्न दे चुका है, जो कि काफी जबरदस्त है। उसके बाद बात करें सारेगामा इंडिया, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, और अभी करेंट मार्केट कैप 5963 करोड़ का है, और इसका करेंट प्राइस काफी ज्यादा है, 3434 रुपीज का, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। देखिए, डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब टोटल डेट मात्र 1 करोड़ का है, जबकि नेट प्रॉफिट 113 करोड़ का है। तो जो डेट फ्री कंपनी होती है वो तो ऐसे भी काफी बेहतरीन होती है, और उसमें भी इतना अच्छा प्रॉफिटेबल हो, और सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिक लेवल कंपनी है। वहीं PVR, जो PVR शेयर था वो क्या है, सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स वाला, सिनेमा मल्टीप्लेक्स वाला कंपनी। TV18 ब्रॉडकास्ट क्या है, तो देखिए ब्रॉडकास्ट जो होता है, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट, एलाइड बिजनेस, ये सारी कंपनी जो है काफी बेहतरीन बिजनेस में है। मतलब इंटरटेनमेंट सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म है, लेकिन उसमें से ये सब कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा वेल्थ दिया है, ये कंपनी तो रिकॉर्ड रिटर्न दिया है। डिविडेंड यील्ड 0.58%, रिटर्न कैपिटल 33.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.9%, काफी जबरदस्त। प्रमोटर्स होल्डिंग 59%, प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छा खासा है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनियां है। और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो काफी जबरदस्त रिटर्न, देखिए 1000% का रिटर्न दिया है मात्र 5 सालों में, तो काफी जबरदस्त कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगला कंपनी है डेल्टा कॉर्प, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। ये कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन गेमिंग, हॉस्पिटलिटी, ऑनलाइन स्किल गेमिंग, ये सारे बिजनेस है इस कंपनी के। अगर मार्केट कैप की बात है, 4946 करोड़ का है, करेंट प्राइस मात्र 185 रुपीज का है, डिविडेंड यील्ड 0.54% का है,
देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड निगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव, क्योंकि इसका हॉस्पिटलिटी बिजनेस जो है वो पूरी तरह से क्लोज रहा है। वहीं गेमिंग जो काफ़ी परफॉर्म किया है इस लॉकडाउन में, प्रमोटर्स होल्डिंग 33.3%, प्लेस शेयर भी काफ़ी अच्छा खासा है 7.49%, डेट जो है कंपनी के ऊपर बिल्कुल जीरो है, रिजल्ट भी अच्छा खासा है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट कंपनी का जो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिला, कभी कभी 200 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है एक ईयर में, लेकिन अभी पिछले सालों से कंपनी लॉस में है क्योंकि हॉस्पिटलिटी बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद है। तो इस कंपनी पे भी आपको ध्यान रखना है, कंपनी चार्ट पे भी काफी सॉलिड है। देखिए कंपनी जो है शेयर प्राइस अगर बात करें तो 364 रुपीज का हाई बनाया, वहां से काफी गिरावट देखने मिला और मात्र ये 53 रुपीज पे ये स्टॉक मिल रहा था 2020 में। अगर वहां पर आप इन्वेस्ट करते तो अभी अच्छा खासा आपको लगभग फोर टाइम्स का रिटर्न मिलता, तो जो कि काफी बेहतरीन है। उसके बाद अगला जो है आइनॉक्स लेजर, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, आप चाहे तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट अगर बात करें मार्केट के ऊपर 3855 करोड़ का, और ये कंपनी करती क्या है, तो सेकेंड लार्जेस्ट सिनेमा मल्टीप्लेक्स वाली कंपनी है पीवीआर के बाद। तो आप पीवीआर में इन्वेस्ट ना करना चाहते तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छा खासा है 43.6%, पीवीआर में काफी कम था, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाई निगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव, क्योंकि पेंडिंग के कारण सारे जो सिनेमा मल्टीप्लेक्स है बंद है। डिविडेंड 0.32% है, पीवीआर से ऐसे भी अच्छा है। रिजर्व की बात करें अच्छा खासा है 520 करोड़ का। डेट टू इक्विटी की बात करें 4.44 का है, डेट टू इक्विटी काफ़ी हाई है दोनों कंपनी पर, और टोटल डेट 2800 करोड़ का है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी का जो अभी प्रॉफिट है वो तो हो नहीं रहा है, कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही है। अगर लॉस की बात करें बस यही इसी साल से कंपनी लॉस में, अदरवाइज लगभग 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी का हुआ करता था। कंपनी अच्छी खासी है, अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड है। और बात करें इसके चार्ट का, तो चार्ट देखिए इस कंपनी का काफ़ी सॉलिड रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट देखने मिला था 2008-09 के क्रैश में, उसके बाद कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया और अपना पेंडेमिक के पहले अपने हाई प्राइस 483 रुपीज पे था, वहाँ से गिरावट होता है और ये स्टॉक मात्र 200 रुपीज पे मिल रहा था और वहाँ से काफ़ी रिकवरी दिखाया, लगभग 300 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो अगला स्टॉक है टिप्स इंडस्ट्री, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी का बिजनेस में कुछ खास प्रभाव तो नहीं पड़ा है, लेकिन प्रभावित हर इंटरटेनमेंट सेक्टर का स्टॉक हुआ है। देखिए अभी मार्केट के मात्र 1674 करोड़ का है, करेंट प्राइस 1298 रुपीज का है, डिविडेंड यील्ड के बाद 0.12% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 64%, रिटर्न ऑन इक्विटी 47.9%, प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, डेट इक्विटी जीरो, टोटल डेट जीरो, नेट प्रॉफिट 43.5 करोड़, मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। वहीं बात करें इसके 5 ईयर्स के चार्ट का, तो 1900% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो जब भी गिरावट हो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।